अस्सलाम वालेकुम। लेक्चरर मैथमेटिक्स ऑनलाइन प्रिपरेशन क्लासेस ऑलएच मैथ्स। हम डिस्कस कर रहे हैं की पॉइंट्स और रिंग थ्योरी, और आज हम डिस्कस करेंगे रिजल्ट्स रिलेटेड टू कॉम्यूटेटिव रिंग। सो लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट रिजल्ट देखें। अ रिंग इज कॉम्यूटेटिव इफ एंड ओनली इफ ए प्लस बी होल स्केयर इक्वल टू ए स्केयर प्लस टू ए बी प्लस बी स्केयर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। यानी हमारा जो रिंग है वो कॉम्यूटेटिव होगा इफ एंड ओनली इफ दिस कंडीशन होल्ड्स फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, इसे हम प्रूव कर देते हैं। फर्स्टली हम सपोज कर लेंगे हमारा रिंग जो है वो कम्यूटेटिव है, और हमें शो करना होगा कि ये जो कंडीशन है ये रिंग के तमाम एलिमेंट्स के लिए होल्ड करती है। ठीक है, और जब हम इसके कन्वर्स की बात करेंगे तो हम क्या सपोज कर लेंगे कि ये जो कंडीशन है ये रिंग के तमाम एलिमेंट्स के लिए होल्ड करती है, और हमें प्रूव करना होगा कि हमारा जो रिंग है वो कम्यूटेटिव होगा। ठीक है, प्रूफ देखें। सपोज कर लेते हैं रिंग आर इज कम्यूटेटिव। अगर रिंग कम्यूटेटिव है तो इसका मतलब रिंग के तमाम एलिमेंट्स अंडर मल्टीप्लीकेशन कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करेंगे। दैट वी हैव ए बी इक्वल्स टू डी ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, अब हमें शो करना है कि ये जो कंडीशन है रिंग के तमाम एलिमेंट्स के लिए होल्ड करती है। इसे प्रूव करने के लिए कंसीडर कर लेते हैं लेफ्ट साइड। हमारे पास आ जाएगा ए प्लस बी होल स्केयर इक्वल टू। अब स्केयर का मतलब क्या है कि आप ए प्लस बी को मल्टीप्लाई करेंगे ए प्लस बी के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अब आप देखेंगे यहाँ क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करते हुए जो ए प्लस बी है ये ए के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस बी के साथ भी। हमारे पास आ जाएगा ए प्लस बी इंटू ए प्लस, फिर आ जाएगा आपके पास ए प्लस बी इंटू बी। अगेन यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज करेंगे। राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ पे यूज होगा। हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वेयर प्लस बी ए। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी ए बी प्लस बी स्क्वेयर आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए क्योंकि हमें गिवन है, हमने सपोज कर रखा है कि हमारा जो रिंग है वो कम्यूटेटिव है, ए बी इक्वल्स टू क्या है बी ए है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ए स्क्वेयर प्लस बी ए को रखते हैं ए बी, ये ए बी आ गया प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, तो ये क्या बन जाएगा ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस ए बी टू टाइम्स ए बी, तो ये आ गया टू ए बी प्लस बी स्क्वेयर। दैट वी हैव ए प्लस बी होल स्केयर इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वेयर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। तो आप देखें हमने प्रूव कर दिया कि अगर हमारा रिंग कम्यूटेटिव हो तो ये जो कंडीशन है ये रिंग के तमाम एलिमेंट्स के लिए होल्ड करती है। ठीक है, अब हम इसका कन्वर्स पार्ट करेंगे। अब हम सपोज कर लेंगे कि ये जो कंडीशन है ये रिंग के तमाम एलिमेंट्स के लिए होल्ड करती है, और हमें प्रूफ क्या करना होगा कि हमारा जो रिंग है वो कम्यूटेटिव होगा। ठीक है, अब यहीं से हम इसे कंटिन्यू कर लेते हैं। सपोज कर लेते हैं ये कंडीशन होल्ड कर रही है। ठीक है, अब इसे यूज करते हुए प्रूफ करेंगे कि रिंग कम्यूटेटिव है। आप देखें जब हमने ए प्लस बी का स्क्वेयर फाइंड किया था तो हमारे पास वैल्यू क्या आई थी, ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। इस प्रोडक्ट की जो वैल्यू है इसे आप यहाँ पे रखते हैं ए प्लस बी होल स्केयर की जगह पे, तो ये आ जाएगा ए स्क्वेयर प्लस बी ए प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। ठीक है, इक्वल्स टू, तो ये जो राइट साइड है ये एज इट इज आ जाएगी क्योंकि हमारी ये सपोजिशन है ये कंडीशन होल्ड करती है, तो ये एज इट इज आ गया ए स्क्वेयर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वेयर। अब आप देखें क्या होगा, ए स्क्वेयर ये एज इट इज आ जाएगा बी ए प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर इक्वल टू ए स्क्वेयर, ये जो टू ए बी है इसे आप सेपरेट करके लिख लें, ये आ जाएगा ए बी प्लस बी स्क्वेयर। अब हम क्या करेंगे, अब क्योंकि हमें पता है कि रिंग जो है वो अंडर एडिशन अबेलियन ग्रुप होता है, अंडर एडिशन ग्रुप होने की वजह से इसमें विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कैंसलेशन लॉज होल्ड करते हैं। अब कैंसलेशन लॉज अगर होल्ड करते हैं तो आपके पास क्या होगा, ये जो ए स्क्वेयर है ये यहाँ से ए स्क्वेयर के साथ कैंसिल हो जाएगा, इसी तरह ये जो बी स्केयर है ये बी स्केयर के साथ कैंसिल हो जाएगा, ए बी के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो लेफ्ट साइड है यहाँ पे हमारे पास बचेगा बी ए, और राइट साइड पे हमारे पास क्या बचेगा ए बी। सो वी हैव बी इक्वल्स टू ए बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। यानी रिंग के तमाम एलिमेंट्स जो है वो अंडर मल्टीप्लीकेशन कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसलिए हमारा जो रिंग है वो क्या हो जाएगा, कम्यूटेटिव हो जाएगा। सो वी हैव प्रूव दैट अ रिंग इज कम्यूटेटिव इफ एंड ओनली इफ दिस कंडीशन होल्ड्स फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट रिजल्ट की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट रिजल्ट देखें। अ रिंग आर इज कम्यूटेटिव इफ एंड ओनली इफ ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। बिल्कुल इसी तरह हमारा जो रिंग है वो कम्यूटेटिव होगा इफ एंड ओनली इफ दिस कंडीशन होल्ड्स फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। इसे भी हम प्रूव कर लेते हैं। इसे प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, सपोज कर लेंगे रिंग हमारा कम्यूटेटिव है। ठीक है, रिंग कम्यूटेटिव होने की वजह से हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी इक्वल्स टू बी ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, अब हमें ये शो करना है कि ये जो कंडीशन है रिंग के तमाम एलिमेंट्स के लिए होल्ड करती है,
इसे भी प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, राइट साइड को कंसीडर कर लेंगे, हमारे पास आ जाएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल्स टू, इसे कंसिडर कर लिया। अब हम देखेंगे रिंग की प्रॉपर्टीज में, हमने एक प्रॉपर्टी लिखी थी कि अगर आपके पास ए बी सी कोई भी आर्बिट्री एलिमेंट्स हो रिंग के, तो अगर आपके पास ए माइनस बी इंटू सी आ जाता है तो यहाँ पे भी सम सॉर्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई होती है, ये लेफ्ट से सॉरी राइट से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, सी जो है वो आ जाएगा आपके पास ए सी माइनस बी सी। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं ए माइनस बी की जगह पे ए माइनस बी है और सी की जगह पे आपके पास क्या आ रहा है, ए प्लस बी। तो यहाँ पे भी ये डिस्ट्रीब्यूशन लगाएंगे, आपके पास क्या आ जाएगा, ये जो ए माइनस बी है ये ए के साथ भी आ जाएगा, ठीक है, ये जो सॉरी यहाँ पे आपके पास जो ए प्लस बी है ये ए के साथ भी आ जाएगा माइनस बी के साथ, ये आ जाएगा आपके पास ए इंटू ए प्लस बी, ठीक है, माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करेंगे, हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस, यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करेंगे, ये बी ए माइनस आपके पास क्या आ जाएगा बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ देखें यूज करेंगे कम्यूटेटिव लॉ का, तो आपके पास क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस, बी ए किसके इक्वल है, ये ए बी के इक्वल है, ये पुट कर दिया ए बी माइनस बी स्क्वायर। अब आप देखेंगे ए बी माइनस ए बी, ए बी के अंदर आपने क्या कर दिया है, ए बी का एडिटिव इन्वर्स ऐड कर दिया है। जब भी आप किसी भी एलिमेंट में उसका एडिटिव इन्वर्स ऐड करते हैं तो आपको एडिटिव आइडेंटिटी मिलती है, तो यहाँ पे आपके पास जीरो आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास ए स्क्वायर प्लस जीरो माइनस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर क्योंकि रिंग का ही एलिमेंट है, जब आप इसमें एडिटिव आइडेंटिटी को ऐड करेंगे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए स्क्वायर एज इट इज आ गया, ये माइनस बी स्क्वायर एज इट इज आ गया। अब देखिए हमने प्रूव कर दिया अगर रिंग कम्यूटेटिव हो तो हमारे पास ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम कन्वर्सली यही सपोज करेंगे कि ये जो कंडीशन है रिंग के तमाम एलिमेंट्स के लिए होल्ड करती है, और हमें प्रूफ क्या करना होगा कि फिर हमारा जो रिंग है वो कम्यूटेटिव होगा, ठीक है। अब हम इसे यहीं से कंटिन्यू कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं दिस कंडीशन होल्ड्स फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। अब हमने प्रोडक्ट फाइंड किया था ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का, और ये हमारे पास क्या आया था ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी ए माइनस बी स्क्वायर, ये प्रोडक्ट पड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी जगह पे इसकी वैल्यू रखने ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी ए माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू, ये साइड एज इट इज आ जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब अगेन हम यहाँ पे क्या करेंगे, कैंसिलेशन लॉस का यूज करेंगे, कैंसिलेशन लॉ यूज करते हुए आपके पास ए स्क्वायर से कैंसिल, माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से कैंसिल, यहाँ पे आपके पास बचा ए बी माइनस बी ए इक्वल टू, यहाँ पे आपके पास क्या बचा, यहाँ पे जीरो, सब कैंसिल हो चुका है, हमारे पास आ गया ए बी माइनस बी ए इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये आ जाएगा ए बी माइनस बी ए इक्वल टू जीरो। अब हम क्या करें, दोनों साइड पे बी ए का एडिटिव माइनस बी ए का एडिटिव इन्वर्स ऐड कर दें, माइनस बी ए का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा प्लस ए बी, ये आ जाएगा आपके पास ए बी माइनस बी ए प्लस बी ए इक्वल टू जीरो प्लस बी ए, ठीक है। तो माइनस बी ए प्लस ए प्लस बी ए ये आपके पास क्या हो जाएगा जीरो, ए बी प्लस जीरो आ जाएगा, और यहाँ जीरो प्लस ए प्लस बी ए आपके पास बी ए आ गया, और ये आ गया ए बी इक्वल टू बी ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। अब आप देखिए इनके तमाम एलिमेंट्स क्योंकि मल्टीप्लीकेटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसलिए हमारा जो रिंग होगा वो क्या होगा कम्यूटेटिव होगा। सो वी हैव प्रूव्ड अ रिंग इज कम्यूटेटिव इफ एंड ओनली इफ ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। नेक्स्ट रिजल्ट की तरफ आ जाते हैं, नेक्स्ट रिजल्ट है अ रिंग दैट इज साइक्लिक अंडर एडिशन इज कम्यूटेटिव। बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट है कि हमारा जो रिंग है, हमें पता है रिंग जो है अंडर एडिशन अबेलियन ग्रुप होता है और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन सेमी ग्रुप होता है, ठीक है। तो अगर हमारा जो रिंग अंडर एडिशन ग्रुप है अगर वो साइक्लिक ग्रुप हो जाता है तो उस सूरत में हमारा जो रिंग होगा वो हमेशा कम्यूटेटिव होगा, ठीक है। वेरी इजी टू प्रूव, लेट कर लेते हैं कि हमारा जो रिंग है अंडर एडिशन साइक्लिक ग्रुप है, ठीक है, ये साइक्लिक ग्रुप है। अगर ग्रुप साइक्लिक है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, अंडर एडिशन साइक्लिक ग्रुप है, इसका मतलब आपके पास जो रिंग के एलिमेंट्स हैं वो सिंगल एलिमेंट के मल्टीपल के तौर पे लिखे जा सकते हैं, हम लेट कर लेते हैं कि जो रिंग के एलिमेंट्स हैं वो रिंग के एलिमेंट ए के मल्टीपल के तौर पे लिखे जा सकते हैं। अगर हम कोई भी आर्बिट्री एलिमेंट ले लें रिंग के एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, तो आप एक्स को ले लें, हम क्योंकि हम सपोज कर रहे हैं कि ये जो रिंग साइक्लिक ग्रुप है ये किससे जनरेट हो रहा है, ए से जनरेट हो रहा है,
तो आप रिंग के एलिमेंट्स को ए के मल्टीपल के तौर पे लिख सकते हैं। एक्स को आप ले लें एम ए, वाई को आप ले लें एन ए, ठीक है। और एम और एन हमारे पास क्या है, इंटीजर्स हैं। अगर हम अंडर एडिशन साइक्लिक ग्रुप लेते हैं तो हमारे पास जो एलिमेंट्स होते हैं वो सिंगल एलिमेंट के मल्टीपल के तौर पे लिखे जा सकते हैं। अगर आप अंडर मल्टीप्लिकेशन साइक्लिक ग्रुप लेते हैं तो फिर सिंगल एलिमेंट की पावर से जनरेट होते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास एक्स इक्वल टू एम ए आ गया, वाई इक्वल टू एन ए हो गया। हमारा टारगेट क्या है, हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि अगर आपका रिंग अंडर एडिशन साइक्लिक ग्रुप है तो फिर वो कम्यूटेटिव होता है। अब हमें ये शो करना होगा कि हमारे पास रिंग के एक्स वाई, क्योंकि आर्बिट्री एलिमेंट है रिंग के, तो तमाम एलिमेंट्स के लिए हमारे पास एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स होगा, ठीक है। ये हमें प्रूव करना है। अब इसे प्रूव करने के लिए कंसीडर कर लेंगे लेफ्ट साइड को, हमारे पास आ जाएगा एक्स वाई इक्वल टू, एक्स इक्वल टू एम ए है और वाई इक्वल टू एन ए। एम ए का मतलब है कि आप ए को ऐड करेंगे एम टाइम्स, ये आ जाएगा ए प्लस ए प्लस ए प्लस अप टू सो ऑन प्लस ए इंटू। एन ए का मतलब है आप ए का एन टाइम्स हम लेंगे, ये आ जाएगा ए प्लस ए प्लस अप टू सो ऑन प्लस ए। अब देखें जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे, आप इसे ए को लेंगे, इन सब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर एंड अप टू सो ऑन, इसी तरह, ठीक है। जब आप नेक्स्ट ए को लेंगे, ये भी सबके साथ मल्टीप्लाई होकर आपके पास ए स्क्वेयर आएगा, यानी आपके पास ए स्क्वेयर ए स्क्वेयर आता जाएगा, ठीक है, प्लस अप टू सो ऑन ए स्क्वेयर। अब आप देखना ये कि ये जो ए स्क्वेयर आया कितनी बार आया, तो ये हमारे पास टोटल एम इंटू एन टाइम्स आया, एम एन इंटू ए स्क्वेयर। अब ये कैसे पता चला, अब आप देखेंगे अगर हम जो है वो ए स्क्वेयर अगर आप ले लें ए इंटू ए, ठीक है, समझने के लिए हम ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं लेते, ए इंटू ए, ठीक है, यानी यहाँ पे टू टाइम्स था यहाँ पे थ्री टाइम्स था। जब आप इसका प्रोडक्ट लेके इस तरह से लिखेंगे तो ये कितनी टाइम्स आएगा, सबसे पहले आप इसे लेंगे, सॉरी यहाँ पे हमारे पास प्लस था, ठीक है। अब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आप इसे ए को लेंगे, इन सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर कितनी बार आएगा, थ्री टाइम्स आएगा, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट ए को लेंगे तो ये इन सबके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास थ्री टाइम्स फिर से ए स्क्वेयर आ जाएगा। तो टोटल आपके पास ए स्क्वेयर कितनी बार आया, ठीक है। अब आप देखिए हमारे पास टोटल सिक्स टाइम्स ए स्क्वेयर आया, ए स्क्वेयर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, टू इंटू थ्री टाइम्स जब आप करेंगे तो आपके पास टोटल सिक्स टाइम ए स्क्वेयर आया। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, एम इंटू एन टाइम्स ए लिया था, तो फिर हमारे पास जो ए स्क्वेयर होगा वो एम इंटू एन टाइम्स होगा, यानी जितने टाइम्स ये है और जितने टाइम्स आपके पास ये, इन दोनों का अगर आप प्रोडक्ट लेंगे उतने टाइम्स आपके पास ए स्क्वेयर आएगा। अब ये क्योंकि एम टाइम्स था और ये एन टाइम्स था, इसका मतलब जब आपने ये प्रोडक्ट लिया है और ए स्क्वेयर आ गया आपके पास, तो कितने टाइम्स आया है, एम इंटू एन टाइम्स आया, ठीक है। अब आप देखेंगे हमारे पास ये जो एम इंटू एन है, इसे आप एन इंटू एम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि एम और एन हमारे पास क्या है, इंटीजर्स हैं और इंटीजर्स में अंडर मल्टीप्लीकेशन कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। तो ये आपके पास आ जाएगा एन इंटू एम ए स्क्वेयर। अब जरा गौर करें कि हमारे पास जब एम इंटू एन ए स्क्वेयर था, ये किसके इक्वल था, ये इक्वल था एम ए इंटू एन ए, ठीक है। तो फिर ये जो एन एन इंटू एम इंटू ए स्क्वेयर है, ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा एन ए एन टाइम्स ए इंटू एम टाइम्स ए, ठीक है। अब ये एन टाइम्स ए क्या था, ये तो एक्स ए वाई के इक्वल था, और ये जो एम टाइम्स ए था ये किसके इक्वल था, ये तो एक्स के इक्वल था। आप देखिए मैंने कंसीडर किया था एक्स वाई, और ये किसके इक्वल आ गया, वाई एक्स, हमारे पास आ गया एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स। और क्योंकि एक्स और वाई आर्बिट्री एलिमेंट है रिंग के, तो इसका मतलब ये जो कंडीशन है ये रिंग के तमाम एलिमेंट्स के लिए होल्ड करती है, यानी रिंग के तमाम एलिमेंट्स जो है वो अंडर मल्टीप्लीकेशन कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करते हैं। और जब रिंग के तमाम एलिमेंट्स कम्यूटेटिव लॉ को विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन सेटिस्फाई करते हैं तो फिर रिंग क्या हो जाता है, कम्यूटेटिव हो जाता है। सो अब ये रिजल्ट हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर हमारे पास कोई भी रिंग विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो है वो साइक्लिक ग्रुप होगा तो वो रिंग हमेशा कम्यूटेटिव होगा। एग्जाम्पल्स भी हमारे पास मौजूद है, आप रिंग ऑफ इंटीजर्स को ही देख लें, रिंग ऑफ इंटीजर हमारे पास उसमें जो सेट ऑफ इंटीजर्स होता है वो अंडर एडिशन साइक्लिक ग्रुप होता है, तो फिर देखिए आप वो जो रिंग है वो कम्यूटेटिव रिंग है, ठीक है। इसके अलावा और भी आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट रिजल्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है, नेक्स्ट रिजल्ट देखें, रिंग ऑफ प्राइम ऑर्डर इज कम्यूटेटिव। प्राइम ऑर्डर का अगर आपके पास कोई रिंग आ जाता है तो वो हमेशा कम्यूटेटिव होगा। अब ये बड़ा ऑब्वियस है, क्यों, क्योंकि आप देखिए इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर कोई रिंग जो है वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन साइक्लिक ग्रुप है तो वो हमेशा कम्यूटेटिव होता है। अब आपको पता है कि अगर रिंग प्राइम ऑर्डर का है तो इसका मतलब अंडर एडिशन प्राइम ऑर्डर का ग्रुप मिल गया आपको, और जब प्राइम ऑर्डर का ग्रुप होता है वो हमेशा साइक्लिक होता है, इसका मतलब आपका जो अंडर एडिशन ये जो रिंग हमारा ग्रुप बनेगा वो एक साइक्लिक ग्रुप बनेगा।
और जब भी रिंग्स अंडर एडिशन साइक्लिक ग्रुप होता है तो वो हमेशा क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। ठीक है, दोबारा सुन लें, एनी रिंग ऑफ प्राइम ऑर्डर इज कम्यूटेटिव। अगर आपके पास कोई भी रिंग ऐसा है जिसका ऑर्डर प्राइम है तो वो हमेशा कम्यूटेटिव होगा। वजह इसकी यही है जो प्रीवियस रिजल्ट में हम डिस्कस कर चुके हैं, जब हमारे रिंग का ऑर्डर प्राइम होगा इसका मतलब रिंग क्यूब के अंडर एडिशन ग्रुप होता है, तो प्राइम ऑर्डर का जो ग्रुप होता है वो साइक्लिक होता है। इसका मतलब ये जो रिंग बनेगा आपका अंडर एडिशन साइक्लिक ग्रुप बनेगा। ठीक है, ये जो ग्रुप बनेगा ये अंडर एडिशन साइक्लिक ग्रुप बनेगा, और जब रिंग अंडर एडिशन साइक्लिक होता है तो वो हमेशा कम्यूटेटिव होता है। इसलिए अगर कोई भी रिंग आपको प्राइम ऑर्डर का मिलेगा वो हमेशा कम्यूटेटिव होगा। ठीक है, नेक्स्ट रिजल्ट देखते हैं। नेक्स्ट रिजल्ट है, अ रिंग ऑफ ऑर्डर पी स्क्वायर वेयर पी इज प्राइम मे नॉट बी कम्यूटेटिव। अब यहाँ आपको डिफरेंस नजर आना शुरू होगा। हमने एक ग्रुप में डिस्कस किया था, कोई भी ग्रुप अगर आपके पास ऑर्डर पी स्क्वायर का होता है वेयर पी इज प्राइम तो वो हमेशा कम्यूटेटिव होता है, हमेशा अबेलियन ग्रुप होता है। ठीक है, लेकिन रिंग में ऐसा होना जरूरी नहीं है। अगर रिंग का ऑर्डर पी स्क्वायर है वेयर पी इज प्राइम तो जरूरी नहीं है कि वो रिंग कम्यूटेटिव हो। ठीक है, एग्जाम्पल हमारे पास मौजूद है, एक रिंग हम कंसिडर कर लेते हैं, रिंग ऑफ मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2x2 ओवर Z2। ठीक है, हम यहाँ पे रिंग ले लेते हैं, सॉरी रिंग हम कंसीडर कर लेते हैं मैट्रिसेस की ऑर्डर 2x2 के, और इसके अंदर जो हम मैट्रिसेस रख लेते हैं वो हम इस टाइप के रख लेते हैं, ए बी 0 0, वेर ये जो ए बी आपको नजर आ रहे ये हम सेट ऑफ इंटीजर्स रिंग ऑफ इंटीजर मॉडल 2 इससे लेंगे। ठीक है, यानी ये जो ए बी है 0 में आपके पास कौन से एलिमेंट होते हैं, 0 1। ठीक है, ये हमारे पास Z2 के एलिमेंट्स हैं, ये जो ए बी है ये हम Z2 से लेंगे। इसका मतलब ए और बी जो है वो या तो 0 हो सकते हैं या 1 हो सकते हैं, इसके अलावा कोई नहीं होंगे। इसके अंदर हमने वो मैट्रिसेस रखे हैं ऑर्डर 2 के जिनका जिनकी जो सेकंड है वो हमेशा 0 रहेगी, ए और बी की जगह पे Z2 में से 0 के एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, अब अगर हम नोट करें तो हमारा ये जो रिंग बनेगा इसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो कौन से होंगे, इसके अंदर आपके पास एलिमेंट्स आ जाएंगे, अगर आप ए और बी दोनों को 0 रखते हैं तो 0 0, सेकेंड रो तो हमेशा ही 0 रहेगी, ये एलिमेंट आ जाएगा। फिर अगर फर्स्ट एलिमेंट को हम 1 रख दें, सेकंड को 0 रख दें, सेकंड रो तो हमेशा 0 रहेगी। अब पहले हमने फर्स्ट एलिमेंट को 1 रखा था, सेकंड को 0, अब आप क्या करें, अब फर्स्ट एलिमेंट को 0 रख दें, सेकंड एलिमेंट को 1 रख दें, तो एक ये एलिमेंट आ जाएगा। थर्ड, अब आप देखें, अब हमने क्या किया, पहले दोनों 0 रखे थे, फिर एक एलिमेंट को 1 रखा, दूसरे को 0, फिर इसे 0, दूसरा एलिमेंट 1 कर दिया, अब दोनों को 1 कर दें, 1 1 0 0। इसके अलावा आपके पास इस रिंग के अंदर कोई और एलिमेंट नहीं आएगा, यानी हमारा ये जो रिंग बनेगा ये ऑर्डर 4 का बनेगा, यानी इस रिंग का जो ऑर्डर है वो 4 है, और 4 ऑर्डर का मतलब क्या है, 2 स्क्वायर, यानी हमारा ये जो रिंग है और 2 क्योंकि प्राइम है तो हमें एक प्राइम ऑर्डर का सॉरी पी स्क्वायर ऑर्डर का रिंग मिल गया। ठीक है, अब आप देखें कि हमारे रिंग का ऑर्डर पी स्क्वायर है, पी स्क्वायर टाइप का ऑर्डर है हमारा, लेकिन ये जो रिंग है ये कम्यूटेटिव नहीं है। ठीक है, पी स्क्वायर ऑर्डर का हमें हमने एक रिंग ले लिया और ये नॉन कम्यूटेटिव है, देख लें जरा। आप देख सकते हैं कि अगर हम इसके ये दोनों एलिमेंट ले लें, अगर आप इनका प्रोडक्ट लें आपके पास क्या आ जाएगा, अगर मैं 1 0, ठीक है एक एलिमेंट मैंने ये ले लिया और एक हम इसकी बात कर रहे हैं, आप कोई और भी लेके देख सकते हैं, मैं इनको चेक कर रही हूँ। ठीक है, अगर आप इसे ए का नाम दे रहे हैं, इसे आप बी का नाम दे रहे हैं, तो आपके पास ये जो प्रोडक्ट है ए बी किसके इक्वल आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा ए बी इक्वल्स टू, ए बी हमारे पास है 1 0 0 0 और बी हमने लिया है 0 1 0 0। ठीक है, जब आप इनका प्रोडक्ट लेंगे, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 प्लस 0 इंटू 0, ये 0 हो गया, फिर 1 मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस 0 इंटू 0 0, ये 1 आ गया, फिर सेकेंड रो मल्टीप्लाई होगी, ये सारा 0, ये सारी रो 0 है तो ये भी 0 आ जाए, ए बी हमारे पास क्या आया 0 1 0 0। अब आप बी ए निकालें, जब आप बी ए निकालेंगे तो आप इस मैट्रिक्स को पहले रखेंगे 0 1 0 0, अब ए को रखेंगे तो 1 0 0 0 0। ठीक है, अब आप देखिए प्रोडक्ट है, 0 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ 0, 1 को 0 से किया ये 0 आ गया, फिर 0 को 0 से करेंगे, 1 को 0 से करेंगे ये भी 0 आ गया, सेकंड वो सारे 0 मल्टीप्लाई होकर आपके पास 0 हो जाएगा। अब देखिए जब आपने ए बी निकाला तो ये 0 1 0 0 आया, जब आपने बी ए निकाला तो ये तो नल मैट्रिक्स आ गया। अब देख सकते हैं कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी। ठीक है, तो हमारे पास ये ऑर्डर पी स्क्वेयर का रिंग आ गया विच इज नॉन कम्यूटेटिव। तो अगर किसी रिंग का ऑर्डर पी स्क्वेयर है या पी प्राइम तो जरूरी नहीं है कि वो कम्यूटेटिव आ जाए, कम्यूटेटिव हो। तो हमें यहाँ पे काउंटर एग्जांपल मिल गए, हमने एक रिंग कंसीडर किया ऑर्डर 4 का विच इज टाइप ऑफ पी स्क्वायर। ठीक है, और ये नॉन कम्यूटेटिव है। ठीक है, अब आपने याद रखना है कि ग्रुप में ऐसा होता है कि अगर आपके पास कोई भी ग्रुप अगर आपके पास आ जाता है ऑर्डर पी स्क्वायर का विद पी प्राइम तो वो हमेशा अबेलियन ग्रुप होता है। ठीक है, लेकिन रिंग में ऐसा होना जरूरी नहीं है, रिंग अगर ऑर्डर पी स्क्वायर का है
वेयर पी इज प्राइम, तो वो नॉन कॉम्यूटेटिव हो सकता है, ठीक है, जिसकी हमने काउंटर एग्जाम्पल देख ली। एक और बात याद रखें, अब ग्रुप में जैसे कि हमें पता है कि जो स्मॉलेस्ट ग्रुप होता है नॉन अबेलियन वो ऑर्डर 6 का होता है। अब रिंग में जो स्मॉलेस्ट नॉन कम्यूटेटिव रिंग होता है उसका ऑर्डर क्या है, 4 है, जिसकी एग्जाम्पल अभी हमने डिस्कस की, ठीक है। स्मॉलेस्ट नॉन कम्यूटेटिव रिंग इज ऑफ ऑर्डर 4। तो अब आप ये याद रख लें, स्मॉलेस्ट नॉन अबेलियन ग्रुप ऑर्डर 6 का होता है, स्मॉलेस्ट नॉन कम्यूटेटिव रिंग ऑर्डर 4 का होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, अब आप देखें कि हमने ये तो देख लिया कि अगर आपके पास रिंग ऑर्डर पी स्क्वायर का है, वे पी प्राइम, तो उसका कम्यूटेटिव होना जरूरी नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है, क्या कोई ऐसी कंडीशन है जिसके बाद ऑर्डर पी स्क्वायर का अगर कोई रिंग हो तो वो भी कम्यूटेटिव हो जाए, तो उसका आंसर अब हमें मिलने जा रहा है, अ रिंग विद यूनिटी ऑफ ऑर्डर पी स्क्वायर वेयर पी इज प्राइम मस्ट बी कम्यूटेटिव। यानी क्या ऐसी कंडीशन है जो इसमें जो है वो इसके साथ अगर लगा दी जाए तो हमारे ये जो ऑर्डर है ये कम्यूटेटिव होने के लिए काफी हो जाएगा, वो ये कंडीशन है। तो अगर आपका रिंग जो है वो ऑर्डर पी स्क्वायर का है प्लस उसके अंदर यूनिटी भी मौजूद है तो फिर वो रिंग हमेशा कम्यूटेटिव होगा, ठीक है। यानी अगर सिंपली आपके पास रिंग का ऑर्डर पी स्क्वायर है तो जरूरी नहीं है वो कम्यूटेटिव हो जाए, इसके हमें काउंटर एग्जाम्पल देख चुके हैं। लेकिन अगर रिंग का ऑर्डर पी स्क्वायर होने के साथ साथ उसके अंदर यूनिटी भी मौजूद है, यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी मौजूद है, तो फिर वो जो रिंग होगा वो हमेशा कम्यूटेटिव होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इफ आर इज अ कम्यूटेटिव रिंग देन द सेंटर ऑफ द रिंग कॉइंसाइड्स विद रिंग आर। अब ये बड़ा ऑब्वियस है कि अगर हमारा रिंग कम्यूटेटिव होगा तो जो रिंग का सेंटर होगा वो पूरे रिंग आर के इक्वल होगा, ठीक है। अब क्यों ऑब्वियस है, देखिए जो हम रिंग का सेंटर निकालते हैं वो हम विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन निकालते हैं, ठीक है। रिंग का जो सेंटर होता है उसमें हमारे पास क्या होता है, रिंग के वो एलिमेंट्स आ जाते हैं, ठीक है, जिनके लिए आपके पास क्या होता है, ये कंडीशन होल्ड कर दिया, एक्स आर इक्वल टू आर एक्स फॉर ऑल आर बिलोंग्स टू आर, ठीक है। यानी रिंग के वो एलिमेंट्स आ जाते हैं जो रिंग के तमाम एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। रिंग का जो सेंटर होता है वो हम क्या निकालते हैं, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन निकालते हैं। अगर हमारा रिंग कम्यूटेटिव है इसका मतलब है कि इसमें विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, और जब विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है तो रिंग के तमाम एलिमेंट्स कम्यूट करेंगे, इसका मतलब पूरा का पूरा रिंग आपका सेंटर में आ जाएगा। इसलिए जब रिंग कम्यूटेटिव होता है तो उसका सेंटर होल रिंग आर के इक्वल हो जाता है, यही बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा एक और चीज देखिएगा कि जो रिंग का हम सेंटर निकालते हैं हम विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन निकाल रहे होते हैं। आपको पता है रिंग में हमारे पास दो बाइनरी ऑपरेशंस होते हैं, एक एडिशन का और दूसरा मल्टीप्लीकेशन का। अब सेंटर हम निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, एडिशन क्यों नहीं निकाला, क्योंकि आपको पता है कि विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो रिंग होता है वो हमेशा अबेलियन ग्रुप होता है, ठीक है। तो जब भी आप अगर एडिशन की रिस्पेक्ट से निकालेंगे तो जब भी आप रिंग का सेंटर निकाला करेंगे चाहे कोई भी रिंग हो उसको, वो तो पूरा रिंग आ जाया करेगा क्योंकि अंडर एडिशन अबेलियन है। तो इस वजह से हम जो है रिंग का जो सेंटर निकालते हैं वो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन निकालते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट रिजल्ट है, अ रिंग इज कम्यूटेटिव रिंग इफ इट हैज द प्रॉपर्टी दैट ए बी इक्वल टू सी ए इम्प्लाइज बी इक्वल टू सी व्हेन ए इज नॉन जीरो। जी हम डिस्कस कर रहे हैं, अ रिंग इज कम्यूटेटिव रिंग इफ इट हैज द प्रॉपर्टी दैट ए बी इक्वल टू सी ए इम्प्लाइज बी इक्वल टू सी व्हेन ए इज नॉन जीरो। अब आपको लग रहा होगा कि ये जो हमारे पास मौजूद है ए बी इक्वल टू, ये जो कंडीशन हमें गिवन है सी ए इम्प्लाइज बी इक्वल टू सी व्हेन ए इज नॉन जीरो, आपको लग रहा होगा कि ये हमारे पास कैंसिलेशन लॉ, नहीं बिल्कुल नहीं, कैंसिलेशन लॉ नहीं है। कैंसिलेशन लॉ में क्या होता है, कैंसिलेशन लॉ में ये होता है कि अगर आपके पास ए बी इक्वल टू ए सी हो देन दिस इम्प्लाइज दैट बी इक्वल टू सी व्हेन ए इज नॉन जीरो, ठीक है। यानी कि अगर आपके पास ए यहाँ पे लेफ्ट में मौजूद है तो यहाँ पे भी लेफ्ट पे होता है, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तो ए लेफ्ट पे है लेकिन यहाँ इस साइड पे राइट पे है। अगर हमारे पास ये ऑर्डर चेंज होने के बावजूद भी आपके पास ए बी इक्वल टू सी ए भी इम्प्लाइज करता है बी इक्वल टू सी व्हेन ए इज नॉन जीरो, तो इसका मतलब हमारा रिंग कम्यूटेटिव है। ऐसा क्यों है, क्योंकि उस सूरत में आप देख सकते हैं कि सी ए फिर इसका मतलब है यहाँ पे कम्यूट कर रहा है सी ए किसके इक्वल है, यहाँ पे ए सी, और सी और ए क्योंकि आर्बिट्री एलिमेंट है रिंग के लिए रिंग के, इसका मतलब जब भी आप रिंग के कोई भी दो एलिमेंट लेंगे यहाँ पे वो हमेशा कम्यूट कर जाएंगे, और जब रिंग के तमाम एलिमेंट्स अंडर मल्टीप्लीकेशन इस तरह से कम्यूट करते हैं तो फिर हमारा रिंग हमेशा क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, इफ आर इज अ रिंग विद यूनिटी, अगर हमारा रिंग विद यूनिटी है एंड ए बी होल स्केयर इक्वल टू बी ए स्केयर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है,
एंड 2x इक्वल टू जीरो इंप्लाइज x इक्वल टू जीरो, देन r इज कम्यूटेटिव. क्या मतलब है इसका? अगर हमारा रिंग जो है रिंग के अंदर यूनिटी मौजूद हो, ठीक है, रिंग के अंदर हमारे पास यूनिटी हो, अगर यूनिटी को हम e से डिनोट कर दें, अगर रिंग के अंदर यूनिटी हो प्लस उसके अंदर ये कंडीशन होल्ड करे, यानी ए भी स्क्वेयर लें या बी होल स्क्वेयर लें, दोनों की वैल्यू सेम हो, ठीक है, एक कंडीशन ये होल्ड करे, ए बी होल स्क्वेयर इक्वल हो आपके पास बी ए होल स्क्वेयर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, और थर्ड आपके पास क्या कंडीशन होल्ड करे, अगर आपके पास उस रिंग के अंदर टू एक्स इक्वल टू जीरो आ रहा है, यानी आप जब रिंग के किसी एलिमेंट को टू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं या उसको टू टाइम ऐड करते हैं, आपके पास एक्स प्लस एक्स आप करते हैं और इक्वल टू जीरो आ जाता है, तो फिर ऐसा सिर्फ एक ही सूरत में होना चाहिए, वो कब हो, जब आप एक्स इक्वल टू जीरो ले रहे हैं. एक्स के जीरो के अलावा आपको कोई ऐसा एलिमेंट नहीं मिलना चाहिए कि जब आप उसमें जब आप एक्स प्लस एक्स करें तो आपके पास जीरो आ जाए. सिर्फ जीरो ही एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जिसके लिए ये कंडीशन होल्ड करे, तो फिर ऐसा रिंग हमेशा क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है. ठीक है, तीन कंडीशंस थी कि रिंग में यूनिटी होनी चाहिए, ए बी होल स्केयर इक्वल टू बी ए होल स्केयर अगर हो, फर्दर टू एक्स इक्वल टू जीरो हमें इम्प्लाइज करे कि सिर्फ एक ही एलिमेंट ऐसा है जिसके लिए ऐसा हो सकता है, इसके अलावा कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है कि जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, तो रिंग हमेशा क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है. नेक्स्ट रिजल्ट देखें, अ रिंग इज कम्यूटेटिव इफ ए स्केयर इक्वल टू ए, इफ ए स्केयर इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर. अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्यों? अब देखें, रिंग इज कम्यूटेटिव इफ ए स्केयर इक्वल टू ए, इसका क्या मतलब है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब ये है कि आपके रिंग का हर एलिमेंट जो है वो अडम्पोटेंट एलिमेंट हो. अगर अडम्पोटेंट एलिमेंट कौन सा होता है, अडम्पोटेंट हम ऐसे एलिमेंट को कहते हैं, अगर हमारे पास ए रिंग का एलिमेंट है तो हम इसे अडम्पोटेंट एलिमेंट कहेंगे. अगर आप ए का स्क्वेयर लें और ये ए के ही इक्वल आ जाए, तो इसका मतलब ये होगा कि ए जो है वो अडम्पोटेंट एलिमेंट है. अब ये कंडीशन ये कहती है कि अगर रिंग का तमाम रिंग के तमाम एलिमेंट्स में वो अगर किसी रिंग के तमाम एलिमेंट्स अडम्पोटेंट एलिमेंट हो, यानी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें, तो रिंग हमेशा क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है. और ऐसा रिंग जिसके तमाम एलिमेंट्स अडम्पोटेंट एलिमेंट्स होते हैं, उस रिंग को हम कहते हैं बुलियन रिंग. बेसिकली हम यहाँ पे ये शो करना चाह रहे हैं कि अगर कोई रिंग बुलियन रिंग होगा तो वो भी हमेशा कम्यूटेटिव होता है. ठीक है, अब इसका प्रूफ बड़ा आसान है. प्रूफ देखें, हमारे पास कंडीशन क्या है कि रिंग के तमाम एलिमेंट्स जो है वो अडम्पोटेंट एलिमेंट है, हमारा रिंग जो है वो बुलियन रिंग है, ए स्केयर इक्वल टू ए है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर. हम ये शो करना चाहते हैं कि अगर रिंग बुलियन रिंग हो तो वो हमेशा कम्यूटेटिव होता है, यानी जब भी आप रिंग के कोई भी आर्बिट्री एलिमेंट लेंगे तो उसके लिए आपके पास अंडर मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करेगा. हमें ये प्रूफ करना है, एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स होगा. ठीक है, अब इसे प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, कंसिडर कर लेंगे एक्स प्लस वाई स्क्वेयर. आपको पता है कि अगर एक्स और वाई रिंग के एलिमेंट है तो फिर एक्स प्लस वाई भी रिंग का एलिमेंट होगा, क्योंकि रिंग अंडर एडिशन अबेलियन ग्रुप है, यानी अंडर एडिशन ग्रुप होने की वजह से अंडर एडिशन क्लोरियन लॉ तो होल्ड करेगा. ठीक है, तो ये भी रिंग का ही एक एलिमेंट बनेगा. अब एक्स प्लस वाई होल स्केयर का मतलब क्या है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, सॉरी यहाँ पे हमें इसका यूज नहीं करना है. अब यहाँ पे हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक्स प्लस वाई ये जो एलिमेंट बनेगा बेसिकली ये भी रिंग का ही एक एलिमेंट है, और रिंग के तमाम एलिमेंट्स के लिए कंडीशन होल्ड कर रही है. अगर ये रिंग का एक एलिमेंट है तो इसके लिए भी कंडीशन होल्ड करेगी. जब आप इसका भी स्क्वेयर लेंगे तो एज इट इज एक्स प्लस ए एक्स प्लस वाई के ही इक्वल आ जाएगा हमारे पास. ठीक है, अब यहाँ पे हमने इस कंडीशन का यूज किया, अब यहाँ पे हम इसके स्क्वेयर की वैल्यू लिख लेते हैं. जब आप एक्स प्लस वाई का स्क्वेयर लेंगे तो इसका मतलब आप एक्स प्लस वाई को एक्स प्लस वाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे एक्स प्लस वाई एज इट इज आ जाएगा. अभी प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई एक्स प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू यहाँ पे एक्स प्लस वाई. अब यहाँ यूज करेंगे अगेन हमारे गिवन कंडीशन का, अगर आपके पास रिंग के तमाम एलिमेंट्स अडम्पोटेंट एलिमेंट है तो एक्स वाई भी क्योंकि रिंग के एलिमेंट है तो फिर एक्स स्क्वेयर भी इक्वल टू एक्स होगा, और वाई भी क्योंकि रिंग का एलिमेंट है तो फिर वाई स्क्वेयर भी इक्वल टू वाई होगा क्योंकि रिंग के तमाम एलिमेंट्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं. तो एक्स स्क्वेयर इक्वल टू एक्स आ गया, एक्स वाई प्लस वाई एक्स वाई स्क्वेयर भी इक्वल टू वाई आ गया इक्वल टू एक्स प्लस वाई. अब यहाँ हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कैंसिलेशन लॉज यूज करेंगे क्योंकि हमारा रिंग अंडर एडिशन ग्रुप है, तो कैंसिलेशन लॉज होल्ड करेंगे. एक्स एक्स के साथ कैंसिल, वाई वाई के साथ कैंसिल, यहाँ पे बचा एक्स प्लस वाई प्लस वाई एक्स, और यहाँ पे क्या बचा, जीरो. अब यहाँ पे आपके पास आ जाएगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू माइनस वाई एक्स, यानी कि आपके पास आ गया एक्स वाई इक्वल टू माइनस वाई इंटू एक्स. अब हमें क्या चाहिए था, हमें तो चाहिए था एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स आ जाए, ये क्या आ गया, माइनस वाई इंटू एक्स. तो अब ये देखें कि जो बुलियन रिंग होता है उसमें वाई और माइनस वाई इक्वल होते हैं. ठीक है, तो ये जो माइनस वाई से आप वाई रख देंगे ये वाई एक्स आ जाएगा. अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि वाई इक्वल्स टू माइनस वाई आ जाए. तो ऐसा बुलियन रिंग में होता है, वाई और माइनस वाई बुलियन रिंग में सेम होते हैं, क्यों होते हैं इसे देखते हैं.
अगर हमारे पास रिंग बुलियन रिंग हो तो उसकी जो करेक्टरिस्टिक होती है वो टू होती है। अब करेक्टरिस्टिक क्या चीज है? करेक्टरिस्टिक बेसिकली हमारे पास वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होता है, जिसे हम जब भी रिंग के किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें जीरो मिलता है, यानी उस रिंग की एडिटिव आइडेंटिटी मिलती है। अब अगर वाई कोई भी रिंग का कोई भी आर्बिट्री एलिमेंट हो रिंग का, तो फिर इसका मतलब है क्योंकि ये रिंग का एलिमेंट है बुलियन रिंग का, तो इसकी करेक्टरिस्टिक टू होगी। आपके पास टू वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा? जीरो। अब टू वाई का मतलब क्या है? वाई प्लस वाई इक्वल टू जीरो। एंड वाई प्लस वाई इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है? यहाँ पे वाई, यहाँ पे ना ये जो प्लस वाई है ये आपके पास आ जाएगा माइनस वाई, ठीक है? या पे या फिर आप ये कह सकते हैं दोनों साइड पे वाई का एडिटिव इनवर्स ऐड करेंगे, तो यहाँ पे वाई माइनस वाई जीरो आ जाएगा और यहाँ माइनस वाई आ जाएगा, ठीक है? तो आप देखें कि अगर बुलियन रिंग हो तो क्योंकि उसमें उस रिंग की जो करेक्टरिस्टिक होती है वो टू होती है, यानी जब भी आप रिंग का कोई भी आर्बिट्री एलिमेंट लेंगे उसे टू से मल्टीप्लाई करेंगे आपको जीरो मिलेगा। ये टू वाई इक्वल टू जीरो से हमें वैल्यू मिल गई। वाई और माइनस वाई बुलियन रिंग में सेम होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे जो माइनस वाई है इसको हमने क्या रख दिया? वाई। तो ये आ गया वाई एक्स। हमने प्रूव कर दिया कि एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स आ गया, और एक्स वाई क्योंकि आर्बिट्री एलिमेंट है रिंग के, इसका मतलब रिंग के तमाम एलिमेंट्स के लिए कंडीशन होल्ड करेगी, रिंग के तमाम एलिमेंट्स कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करेंगे, इसलिए हमारा जो रिंग है वो क्या हो गया? कम्यूटेटिव हो गया। तो अब आप याद रखिएगा कि अगर हमारा रिंग बुलियन रिंग हो तो वो हमेशा कम्यूटेटिव होता है, ठीक है? इसी तरह अगर किसी रिंग में ए क्यूब इक्वल टू ए आ रहा है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, तो वो भी कम्यूटेटिव होता है। इसी तरह अगर ए पावर फोर इक्वल टू ए आती है तो ये भी ऐसा रिंग भी हमेशा क्या होता है? कम्यूटेटिव होता है। नेक्स्ट रिजल्ट देखें। इफ आर इज कम्यूटेटिव रिंग देन ए बी होल स्केयर इक्वल टू ए स्केयर बी स्केयर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर बट कन्वर्स मे नॉट ट्रू। यानी अगर हमारा रिंग कम्यूटेटिव होगा तो ये कंडीशन रिंग के तमाम एलिमेंट्स के लिए होल्ड करेगी, ए बी होल स्केयर इक्वल टू ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर, लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, ठीक है? यानी अगर किसी रिंग के तमाम एलिमेंट्स के लिए कंडीशन होल्ड करती है तो जरूरी नहीं है कि हमारा रिंग जो है वो कम्यूटेटिव हो जाए। इसकी काउंटर एग्जाम्पल देखें। अभी हमने एक एग्जाम्पल डिस्कस की थी मैट्रिसेस में, ठीक है? जिसकी एंट्रीज हमने जी टू से ली थी, ठीक है? इसके अंदर हमने ऐसे मैट्रिसेस रखे थे जिसके फर्स्ट रो को हमने ए बी ले लिया था और सेकेंड रो जीरो जीरो कर दी थी, फिर ए बी आर एलिमेंट्स फ्रॉम जी टू, ठीक है? अब ये जो हमारे पास रिंग है इसके तमाम एलिमेंट्स जो है उस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। इसके एलिमेंट्स हमने लिए थे जीरो जीरो, ठीक है? जीरो जीरो, फिर यहाँ पे हमने वन जीरो 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 ले लिया था, फिर जीरो वन जीरो जीरो, और फिर हमारे पास आ गया था वन 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 जीरो जीरो। तो आप चेक कर सकते हैं इस रिंग के तमाम एलिमेंट्स जो है उस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। अब क्योंकि हमारे पास मैट्रिसेस हैं तो आप इनको ए कैपिटल ए और कैपिटल बी का नाम दे दें, तो यहाँ आप चेक करेगा रिंग के तमाम एलिमेंट्स जो है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, ए बी होल स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर बी स्केयर। लेकिन ये जो रिंग है ये कम्यूटेटिव नहीं है। ऑलरेडी हम इसे चेक कर चुके हैं कि इसमें हमारे पास ए बी बी ए के इक्वल नहीं आता, ये एक नॉन कम्यूटेटिव रिंग है, ठीक है? तो इसे ये प्रूव हो चुका है कि अगर आपके पास किसी रिंग के तमाम एलिमेंट्स के लिए कंडीशन होल्ड करती है तो जरूरी नहीं है कि आपका रिंग कम्यूटेटिव हो, लेकिन अगर रिंग कम्यूटेटिव होगा तो फिर रिंग के तमाम एलिमेंट्स के लिए कंडीशन हमेशा होल्ड करेगी, ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे माइंड में क्या आएगा कि क्या कोई ऐसी कंडीशन है जिसके साथ अगर किसी रिंग के तमाम एलिमेंट्स में ये कंडीशन होल्ड करती है तो, ठीक है, तो उस कंडीशन के साथ ऐड होने के बाद इस कंडीशन, अगर ये कंडीशन पूरी हो साथ, ऐसी कौन सी कंडीशन हमें एक्स्ट्रा ऐड करनी पड़ेगी जिसके बाद हमारा रिंग कम्यूटेटिव हो? अभी तो हमें ये पता चला ना कि अगर रिंग कम्यूटेटिव है तो रिंग के तमाम एलिमेंट्स के लिए कंडीशन होल्ड करेगी। अब हम ये देखना चाहते हैं क्या कोई ऐसी कंडीशन है जो इसके साथ अगर ऐड कर दी जाए तो फिर ऐसा रिंग हमेशा कम्यूटेटिव हो जाए, उसका हम आगे जाके चल के डिस्कस करेंगे। अब हमें उसका जो है वो आंसर मिलने जा रहा है। अब देखें, इफ आर इज अ रिंग विद यूनिटी एंड ए बी होल स्केयर इक्वल टू ए स्केयर बी स्केयर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर देन रिंग इज देन आर इज कम्यूटेटिव, ठीक है? यानी अभी हमने देखा था तो अगर रिंग कम्यूटेटिव है तो फिर रिंग के तमाम एलिमेंट्स के लिए कंडीशन हमेशा होल्ड करेगी, ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। फिर हमने ये भी देखा कि इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, यानी अगर रिंग के तमाम एलिमेंट्स के लिए ये कंडीशन होल्ड करती है तो जरूरी नहीं है कि हमारा रिंग कम्यूटेटिव हो जाए। इसके काउंटर एग्जाम्पल हमने डिस्कस कर ली। अब हमें ये देखना था कि अगर किसी रिंग के अंदर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है रिंग के तमाम एलिमेंट्स के लिए तो क्या कोई ऐसी कंडीशन है जिसके साथ अगर ऐड कर दी जाए तो वो रिंग कम्यूटेटिव हो जाए। तो वो कंडीशन ये है, अगर रिंग के अंदर यूनिटी मौजूद हो प्लस ये कंडीशन रिंग के तमाम एलिमेंट्स के लिए होल्ड कर रही हो तो ऐसा रिंग हमेशा क्या होता है? कम्यूटेटिव होता है, ठीक है? नेक्स्ट रिजल्ट देखें। नेक्स्ट रिजल्ट है,
कम्यूटेटिव रिंग विद द कैंसिलेशन प्रॉपर्टी हैज नो जीरो डिवाइजर। अगर हमारे पास कोई कम्यूटेटिव रिंग है विद कैंसिलेशन प्रॉपर्टी, यानी जिसके अंदर कैंसिलेशन प्रॉपर्टी होल्ड करती है, तो उसमें जीरो डिवाइजर नहीं होते। सबसे पहले बात कर लेते हैं जीरो डिवाइजर होते क्या है। जीरो डिवाइजर का मतलब यह है कि अगर आप ए बी, ठीक है, कोई भी दो नॉन जीरो एलिमेंट लेते हैं रिंग के, और अगर आपके पास इनका प्रोडक्ट जीरो आ जाता है, यानी आपने क्या किया, तो नॉन जीरो एलिमेंट्स लिए रिंग के, ए भी नॉन जीरो है, बी भी नॉन जीरो है, लेकिन इनका प्रोडक्ट हमारे पास जीरो आ गया। अगर ऐसा होता है, अगर हमारे पास कम्यूटेटिव रिंग है, ठीक है, अगर आपके पास कम्यूटेटिव रिंग हो, ठीक है, आप इसके कोई से दो नॉन जीरो एलिमेंट्स लें, लेकिन उनका प्रोडक्ट आपके पास जीरो आ जाए, तो इसका मतलब ये जीरो डिवाइजर्स होंगे इस रिंग के, ठीक है। और अगर आपको ऐसे एलिमेंट्स नहीं मिलते, ऐसे नॉन जीरो एलिमेंट्स नहीं मिलते जिनका प्रोडक्ट आपके पास जीरो आ जाए, तो इसका मतलब उस रिंग में फिर जीरो डिवाइजर नहीं होंगे, ठीक है। अब हमें यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि अगर आपका रिंग कम्यूटेटिव है जिसमें कैंसिलेशन लॉज होल्ड करते हैं, तो फिर उसमें जीरो डिवाइजर नहीं होंगे, ठीक है। हमारा रिंग एक तो कम्यूटेटिव है, दूसरा उसमें कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है। कैंसिलेशन लॉ होल्ड करने का मतलब क्या है कि अगर आपके पास ए बी सी आर्बिट्री एलिमेंट हो रिंग के, फर्दर क्योंकि उसमें कैंसिलेशन लॉ होल्ड कर रहा है रिंग के अंदर, तो आपके पास ए बी इक्वल टू ए सी अगर होगा, तो ये इम्प्लाइज करेगा बी इक्वल टू सी व्हेन ए इज नॉन जीरो, तो ये हमारे पास कैंसिलेशन लॉ आ गया, ठीक है। अब हमें ये शो करना है कि अगर कम्यूटेटिव रिंग है जिसमें कैंसिलेशन लॉ होल्ड कर रहा है, तो फिर उस रिंग के अंदर जीरो डिवाइजर्स नहीं होंगे, ठीक है। चलिए जी, इसे हम प्रूव करने की कोशिश करते हैं। अब ए हमारे पास, ए भी कोई भी आर्बिट्री एलिमेंट ले लिया हमने रिंग के, ए हमारे पास क्या है, नॉन जीरो है। अब हम ये शो करना चाहते हैं कि अगर ये कंडीशन होल्ड कर रही है, तो हमारे रिंग में जीरो डिवाइजर्स नहीं हो सकते, यानी अगर हम ए बी का प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो रख लेते हैं, तो ए क्योंकि नॉन जीरो है, तो इसका मतलब फिर बी को जीरो होना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि अगर आपके पास कोई से दो नॉन जीरो एलिमेंट्स आप लें, और उसका प्रोडक्ट आपके पास जीरो इक्वल टू जीरो आ जाए, अगर ये कंडीशन होल्ड करती है, ठीक है। अगर किसी रिंग कम्यूटेटिव रिंग में ये कंडीशन होल्ड करती है, तो फिर आपको जीरो डिवाइजर्स नहीं मिलेंगे। अगर हमारे पास ए क्योंकि नॉन जीरो है, अगर बी भी नॉन जीरो आ गया, तो फिर इसका मतलब ये होगा क्योंकि दो नॉन जीरो एलिमेंट का प्रोडक्ट जीरो बन रहा है, तो फिर तो वो जीरो डिवाइजर्स बन जाएंगे। हमें ये शो करना है कि जीरो डिवाइजर नहीं है, तो फिर अगर नॉन ए नॉन जीरो है, तो फिर बी को जीरो होना पड़ेगा, तभी ये प्रोडक्ट जीरो आ सकेगा, ठीक है। अब इसे हम देख लेते हैं, ए को हम नॉन जीरो ले लेते हैं। अब ए बी इक्वल टू जीरो इसे कंसीडर करेंगे। अब हम ये शो करेंगे कि अगर ए नॉन जीरो है, और ये जो प्रोडक्ट है, ए भी हमारे पास आर्बिट्री एलिमेंट है रिंग के, जिसमें ए को हमने नॉन जीरो लिया है, अगर ए भी इक्वल टू जीरो है, हमें क्योंकि ये शो करना है कि हमारे रिंग के अंदर जीरो डिवाइजर नहीं है, तो फिर इसका मतलब ये है कि बी को नॉन जीरो नहीं होना चाहिए, बी को जीरो होना चाहिए, क्योंकि अगर बी नॉन जीरो होगा, वो जीरो डिवाइजर बन जाएगा फिर, ठीक है। अब यहाँ हम यूज करेंगे रिंग की एक प्रॉपर्टी का, जो कि हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। वो प्रॉपर्टी क्या थी, ए इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे आप जीरो की जगह पे क्या पुट कर देंगे, ए इंटू जीरो, क्या आपके पास आ जाएगा, ए इंटू जीरो। अब आप देखिए, क्योंकि हमारी ये सपोजिशन है कि हमारे पास रिंग के अंदर कैंसिलेशन लॉ होल्ड कर रहा है, तो फिर आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैंसिलेशन लॉ क्या इम्प्लाइज करता है, कि अगर ए बी इक्वल टू ए सी है, व्हेन ए इज नॉन जीरो, तो फिर बी इक्वल टू क्या होगा, सी होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ए बी इक्वल टू सी की जगह पे क्या आ रहा है, जीरो। तो आप इसको इस तरह से देख लें, ए बी इक्वल टू ए सी आ रहा है, फिर बी इक्वल टू सी होगा, तो बी इक्वल टू सी क्या है, यहाँ पे जीरो, यहाँ क्या आ गया, बी इक्वल टू जीरो, इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए। ए क्योंकि हमने नॉन जीरो लिया था, इसलिए तो, और कैंसिलेशन लॉ पे कैंसिलेशन प्रॉपर्टी हमारी रिंग में होल्ड कर रही थी, तो वो प्रॉपर्टी यूज करते हुए हमारे पास क्या आ गया, बी इक्वल टू जीरो। अब आप देखें कि हमारे पास ए नॉन जीरो था, अगर ये प्रोडक्ट हम बी का आर का हम कोई भी आर्बिट्री एलिमेंट लेते हैं, अगर, ठीक है, कोई भी आर्बिट्री एलिमेंट लेते हैं जिसका ए के साथ प्रोडक्ट अगर जीरो आ जाता है, तो उस सूरत उसकी एक ही सूरत हो सकती है, अगर वो दूसरा एलिमेंट क्या हो, जीरो हो। यानी हमें कोई नॉन जीरो एलिमेंट मिलता ही नहीं है रिंग के अंदर, जिसका अगर आप ए के साथ प्रोडक्ट लें, तो आपके पास ये जो प्रोडक्ट है ये जीरो आ जाए। यानी हमारे पास दो नॉन जीरो एलिमेंट का प्रोडक्ट जीरो नहीं आ रहा है इस रिंग के अंदर। अगर आपके पास रिंग में कभी भी कोई से दो नॉन जीरो एलिमेंट लें, उनका प्रोडक्ट जीरो नहीं आता, तो इसका मतलब आपके रिंग में जीरो डिवाइजर्स है ही नहीं, क्योंकि जीरो डिवाइजर का मतलब क्या था, कि दो नॉन जीरो एलिमेंट का प्रोडक्ट जीरो आ जाए। अब हमने देख लिया, क्योंकि हमारे रिंग में नॉन जीरो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट जीरो नहीं आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब हमारे रिंग में जीरो डिवाइजर्स नहीं है, क्योंकि अगर हम प्रोडक्ट को जीरो रखते हैं, तो फिर उनमें से एक एलिमेंट हमारे पास क्या आ जाता है, इक्वल टू जीरो आ जाता है। अगर ये दोनों नॉन जीरो आ जाते हैं, फिर तो जीरो डिवाइजर बन जाता है, ठीक है। तो अब आप याद रखिएगा कि अगर किसी कम्यूटेटिव रिंग में कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है, तो फिर उसमें जीरो डिवाइजर नहीं हो सकते, ठीक है। इसी तरह ए भी इक्वल टू जीरो है, तो फिर बी ए भी इक्वल टू जीरो होगा, क्योंकि हमारा जो रिंग है वो कम्यूटेटिव है। तो इसके लिए भी आप सेम इसी तरह देख सकते हैं, अगर बी ए भी इक्वल टू जीरो होगा, तब भी आपके पास जो है वो रिजल्ट होल्ड करेगा। नेक्स्ट देखते हैं।
जी नेक्स्ट रिजल्ट है इफ आर इज अ कम्यूटेटिव रिंग विथ मोर देन वन एलिमेंट एंड फॉर एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ए ऑफ आर वी हैव ए आर इक्वल टू आर देन आर हैज अ यूनिटी एंड एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैज एन इनवर्स। अब आप देखिए हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि रिंग का रिंग क्योंकि अंडर मल्टीप्लीकेशन सेमी ग्रुप होता है तो कोई जरूरी नहीं है कि रिंग के अंदर यूनिटी मौजूद हो या रिंग के अंदर हमें एलिमेंट्स के मल्टीप्लीकेटिव इनवर्सेज मिल जाए। लेकिन अब हमें एक ऐसी कंडीशन मिल गई है जिसके बाद रिंग में ना सिर्फ यूनिटी आ जाएगी बल्कि हर नॉन जीरो एलिमेंट का हमें इनवर्स भी मिल जाएगा। और वो कंडीशन क्या है कि अगर हमारा रिंग कम्यूटेटिव हो, ठीक है, सबसे पहली कंडीशन क्या है, रिंग अगर कम्यूटेटिव हो, ठीक है, विद मोर देन एलिमेंट, विद मोर देन वन एलिमेंट, मोर देन वन एलिमेंट का कहने का मतलब क्या है कि हमारा जो रिंग है वो ट्रिवियल रिंग नहीं है बल्कि नॉन ट्रिवियल है, यानी उसके अंदर जीरो के अलावा भी एलिमेंट्स हैं नॉन जीरो के, जो कि नॉन जीरो है, ठीक है, मोर देन वन एलिमेंट एंड फॉर एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ए ऑफ आर वी हैव। अब हमें ये पता चल गया क्योंकि हमने जो रिंग कंसिडर किया है एक तो वो कम्यूटेटिव है और उसके अंदर मोर देन वन एलिमेंट है यानी नॉन जीरो एलिमेंट भी हमारे रिंग में मौजूद है और तमाम नॉन जीरो एलिमेंट्स के लिए हमारे पास ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही है। जब भी आप रिंग का कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट ए लेते हैं, ठीक है, कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट लेते हैं तो उसके लिए कंडीशन होल्ड करती है ए आर इक्वल टू आर, यानी जब भी आप रिंग के किसी भी एलिमेंट नॉन जीरो एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे उस रिंग के साथ इक्वल टू दैट रिंग एज इट इज आ जाएगा, ठीक है, उस रिंग के ही इक्वल आ जाएगा। फर्दर देन आर हैज अ यूनिटी, अगर ये कंडीशन होल्ड करती है, अगर रिंग कम्यूटेटिव है और रिंग के हर नॉन जीरो एलिमेंट के लिए कंडीशन होल्ड करती है तो उस रिंग के अंदर ना सिर्फ यूनिटी आ जाएगी तो उस रिंग के अंदर यूनिटी भी मौजूद होगी बल्कि तमाम नॉन जीरो एलिमेंट के मल्टीप्लीकेटिव इनवर्सेस भी मौजूद होंगे, ठीक है। यानी इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे हमें बेसिकली क्योंकि हमारा रिंग कम्यूटेटिव है, ठीक है, उसके बाद हमें ना सिर्फ यूनिटी मिल गई है बल्कि तमाम नॉन जीरो एलिमेंट्स के इनवर्सेस भी मिल गई हैं। इसका मतलब है कि हमारा जो रिंग है बेसिकली वो फील्ड बन चुका है, ठीक है, क्योंकि फील्ड का मतलब क्या होता है, फील्ड में हमारे पास अंडर एडिशन अगर हम एफ से डिनोट कर दें सेट को तो अंडर एडिशन भी अबेलियन ग्रुप होता है, अंडर मल्टीप्लीकेशन नॉन जीरो एलिमेंट के साथ क्या होता है, अबेलियन ग्रुप होता है, ठीक है, थर्ड क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज होल्ड कर रहे होते हैं, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव भी और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव भी, ठीक है। अब आप देखेंगे अगर हमारे पास रिंग है तो रिंग में पहली कंडीशन भी होल्ड कर रही है और ये लास्ट ये जो थर्ड कंडीशन है ये भी होल्ड कर रही है। अब ये जो दरमियान वाली कंडीशन थी यहाँ मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट से हम कहाँ तक थे, मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट से हम आर हमारा जो रिंग था वो सिर्फ क्या था, सेमी ग्रुप था, ठीक है, इसमें यूनिटी का होना जरूरी नहीं है, एलिमेंट्स के इनवर्सिस का होना विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन जरूरी नहीं है। अब आप देखें हमारी ये जो कंडीशन है ये हमें क्या बता रही है कि अगर आपके पास रिंग कम्यूटेटिव हो, यानी आपके पास कम्यूटेटिव की कंडीशन आ गई विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, अगर आपका रिंग कम्यूटेटिव हो प्लस तमाम नॉन जीरो एलिमेंट के लिए कंडीशन होल्ड करे तो उसमें फिर क्या आ जाती है, यूनिटी आ जाती है, यानी हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन यूनिटी भी आ गई, ठीक है, यूनिटी भी आ जाएगी और तमाम नॉन जीरो एलिमेंट के इनवर्सिस भी आ जाएंगे, तमाम नॉन जीरो एलिमेंट के इनवर्सिस भी आ गए। तो आप देखिए आपका जो रिंग था जो सेमी ग्रुप था वो अब रिंग विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन ग्रुप बन चुका है। क्यों, आप देखिए सेमी ग्रुप का मतलब है कि क्लोजर लॉ होल्ड कर रहा है, एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर रहा है, ठीक हो गया। जब यूनिटी आई तो हमारी ग्रुप की थर्ड कंडीशन पूरी हो गई, हमें विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया और जब हर नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स भी आपको मिल रहा है तो फिर आपके पास इनवर्सिस की कंडीशन भी पूरी हो गई, ठीक है। और फिर लास्ट पे आपके पास क्योंकि और ये हमारी गिवन कंडीशन है कि कम्यूटेटिव रिंग हमने कंसिडर किया तो आपके पास कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड कर रहा है। इसका मतलब ये है आप देखें हमारे पास सबसे पहले इन चारों कंडीशन को मिलाएं, दो कंडीशन यहाँ से क्लोयर की और एसोसिएटिव की, यहाँ से आइडेंटिटी एलिमेंट की और यहाँ से इनवर्सिस की, चारों कंडीशन ने पूरी होकर क्या बना दिया विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन नॉन जीरो एलिमेंट का ग्रुप बना दिया, ठीक है, और कम्यूटेटिव ने क्या बना दिया उसे अबेलियन ग्रुप। तो आप देखिए हमारी ये कंडीशन तो ऑलरेडी होल्ड कर रही थी, ये कंडीशन जो है वो इस रिजल्ट से हमें मिल रही है, तो इसका मतलब हमारा जो रिंग है वो टोटल क्या बन चुका है, अब फील्ड बन चुका है, ठीक है। तो अब आप याद रखिएगा कि अगर हमारा रिंग कम्यूटेटिव है विद मोर देन वन एलिमेंट और उसमें तमाम नॉन जीरो एलिमेंट के लिए हमारे पास ये कंडीशन होल्ड करती है तो ना सिर्फ उस रिंग के अंदर यूनिटी आ जाती है बल्कि तमाम नॉन जीरो एलिमेंट्स के इनवर्सेस भी हमें मिल जाते हैं, यानी हमारा रिंग बेसिकली एक फील्ड बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट रिजल्ट की तरफ आ जाते हैं, नेक्स्ट रिजल्ट है लेट आर बी अ रिंग इफ आर इज कम्यूटेटिव रिंग देन आर ओवर एक्स इज कम्यूटेटिव, यानी अगर हमारा रिंग कम्यूटेटिव है, अगर रिंग कम्यूटेटिव है
तो फिर जो रिंग ऑफ पॉलिनोमियल होगी वो भी आपके पास क्या होगी, कम्यूटेटिव होगी। कम्यूटेटिव, अगर रिंग कम्यूटेटिव है तो जो रिंग ऑफ पॉलिनोमियल होगी, यानी ऐसा रिंग जिसमें हमारे पास सारी की सारी पॉलिनोमियल्स पड़ी हैं, और उन पॉलिनोमियल्स के जो कोफिशिएंट होंगे वो हम रिंग आर से लेंगे, तो वो जो हमारे पास रिंग बनेगी वो भी कम्यूटेटिव होगी। अब ये बड़ा समझना आसान काम है, क्यों? अगर हम समझने के लिए आप देखें कि अगर हमारे पास ये जो रिंग है पॉलिनोमियल्स की, इसके कोई भी दो आर्बिट्री पॉलिनोमियल्स हम ले रहे हैं, यानी इस रिंग के कोई से दो एलिमेंट ले लूँ मैं, एक हम एफ ऑफ एक्स का नाम दे रहे हैं, ठीक है। समझने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे फाइनाइट डिग्री के पॉलिनोमियल्स ले लेते हैं इसमें से। अगर मैं ले लूँ ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वेयर प्लस अप टू सोन प्लस ए एन एक्स एन, वेयर ए नॉट ए वन ए टू अप टू सोन, यानी ये जितने भी कोफिशियंट्स आपको नजर आ रहे हैं वो रिंग आर में से हैं, ठीक है। अब दूसरा इसका हम एक एलिमेंट ले लेते हैं जी ऑफ एक्स, इसके कोफिशियंट हम रख लेते हैं बी नॉट प्लस बी वन एक्स प्लस बी टू एक्स स्क्वेयर प्लस अप टू सोन बी एम एक्स एम, ठीक है। अब ये तो हमने इसके एलिमेंट ले लिए, अब देखें जब मैं इनका प्रोडक्ट लूंगी एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, आप क्या कर रहे हैं एफ ऑफ एक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं जी ऑफ एक्स के साथ, तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास क्या आ जाएगा, पहले ए नॉट जो है वो सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, ए नॉट बी नॉट आ जाएगा, फिर ए ए नॉट बी वन एक्स प्लस अप टू सोन, इस तरह से ये चलता जाएगा, फिर आपके पास ए वन लेंगे सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो हम दो के साथ करके देख लेते हैं, ए वन एक्स ए वन ए ए वन बी नॉट आ जाएगा, उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा एक्स आ जाएगा, फिर आपके पास ए वन बी वन एक्स स्क्वेयर आ जाएगा प्लस अप टू सोन, इस तरह ही चलता जाएगा। बाकी भी मल्टीप्लाई आप कर लीजिएगा, हम यहाँ पे सिर्फ समझने के लिए इन्हीं को डिस्कस कर लेते हैं, बाकी एज इट इज आप रहेगा, ठीक है। अब देखिए जब मैंने एफ ऑफ एक्स को जी ऑफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया, मेरे पास ये आ गया। अब यहाँ आपको कोफिशिएंट जो नजर आ रहे हैं बेसिकली ये रिंग के एलिमेंट है, और रिंग क्योंकि हमारे पास कॉम्यूटेटिव है, रिंग के तमाम एलिमेंट्स के लिए हमारे पास कंडीशन होल्ड करती है ए बी इक्वल टू बी ए, ठीक है। अब आप देखिए ये जो ए नॉट बी नॉट है रिंग के कॉम्यूटेटिव होने की वजह से, ये बी नॉट ए नॉट आप इसको लिख सकते हैं, इसी तरह ए नॉट बी वन को आप लिख सकते हैं बी वन ए नॉट, ठीक है। इसी तरह ये आपके पास यहाँ एक्स आ जाएगा प्लस अप टू सोन प्लस यहाँ जो ए वन बी नॉट है इसको आप लिख सकते हैं बी नॉट ए वन एक्स प्लस ये इसको आप लिख सकते हैं बी वन ए वन एक्स प्लस अप टू सोन। अब आप देखें कि ये जो आपके पास प्रोडक्ट आएगा बेसिकली ये क्या आएगा, ये तो ये आपके पास आएगा जी ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो आप देखिए मैंने एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स कंसिडर किया था, और ये मेरे पास किसके इक्वल आ गया, जी ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, इसका मतलब इस रिंग के अंदर कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर रहा है। तो बस बेसिकली ये डिपेंड किस पे कर रहा था, रिंग के एलिमेंट्स पे, रिंग क्योंकि कम्यूटेटिव है तो रिंग के एलिमेंट्स आपस में कम्यूट कर जाते हैं, इस वजह से हमारे पास ये जो रिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स बनेगी जिसके कोफिशिएंट हम इस रिंग से ले रहे हैं वो भी आपके पास कम्यूटेटिव होगी, ठीक है। इसके अलावा भी हमारे पास कम्यूटेटिव रिंग के और भी रिजल्ट्स हैं जिन्हें हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।